हेलो फ्रेंड्स, अब तक हम पीजीटी 2016-17 का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसको कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं और 2016-17 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन इस समय पर यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो कम्प्लीट सॉल्यूशन जो है टेक्निकल सेक्शन का वो मैंने अपलोड किया है, आप हमारे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको 2016-17 का कंप्यूटर साइंस पेपर का कम्प्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब हमने 2013 पीजीटी कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन पेपर का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे थे और 2013 के क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के अंदर हम पहले जो क्वेश्चंस थे, पहले 10 क्वेश्चंस उनको डिस्कस कर चुके थे और इस समय पर हम क्वेश्चन नंबर 111 से स्टार्ट करेंगे टेक्निकल सेक्शन के और हम अगले कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। और अगर आप इस वीडियो के अंदर जो स्लाइड्स प्रेजेंटेशंस यूज़ की गई है अगर आप उसको डाउनलोड करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर इस प्रेजेंटेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट है www.digimento.com। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर इस वीडियो के अंदर जो भी प्रेजेंटेशन यूज़ की गई है इसकी प्रेजेंटेशन स्लाइड को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे जो कोर्सेज़ हैं उनको चेक कर सकते हैं। सो हमारे जो कोर्सेज़ हैं वो UGC NET कंप्यूटर साइंस के लिए कोर्सेज अवेलेबल है, UGC NET इलेक्ट्रॉनिक साइंस के लिए कोर्स अवेलेबल है, उसी तरीके से हमारे पास गेट कंप्यूटर साइंस के लिए कोर्स अवेलेबल है, गेट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए कोर्स अवेलेबल है और साथ साथ में हमारे पास PGT एग्जामिनेशन जो हैं उन सब के लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो आप हमारे कोर्सेज को देख सकते हैं और वहाँ से कोर्सेज के बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए इसको वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो के अंदर हम PGT कंप्यूटर साइंस 2013 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करेंगे और क्वेश्चन नंबर 111 से हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अब देखिए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं एग्जामिनेशन में, मुझे ऐसा लगता है कि वो क्वेश्चंस सिर्फ इसीलिए बनाए गए हैं ताकि एग्ज़ाम में आपका मूड जो है उसको अच्छा किया जाए। तो ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली उसी तरीके से है, ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए बनाया गया मुझे ऐसा लगता है कि आपका एग्जामिनेशन हॉल में आपका जो मूड है वो अच्छा किया जाए, एक तरह से हंसी आ जाए, स्माइल आ जाए आपके चेहरे पर। तो इस क्वेश्चन को पढ़कर मुझे भी वही स्माइल आई थी मेरे चेहरे पर। तो क्वेश्चन बोलता है, डैश चिप्स आर हाई स्पीड प्रोसेसर्स दैट आर नोन फॉर देयर स्मॉल डाई साइज एंड लो पावर रिक्वायरमेंट्स। दे आर वाइडली यूज इन PDAs एंड अदर हैंड हेल्ड डिवाइसेज इंक्लूडिंग गेम्स, फोन्स एज वेल एज लार्ज वैरायटी ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। इट्स प्रोबेबली द मोस्ट वाइडली यूज्ड एम्बेडेड प्रोसेसर आर्किटेक्चर एंड इंडीड द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोसेसर आर्किटेक्चर ऑफ एनी काइंड इन द वर्ल्ड। सो द ऑप्शंस आर हैंड, लेग, आर्म एंड सन। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं बेसिकली देयर ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, जैसे कि हैंड्स इज अ ह्यूमन बॉडी पार्ट, लेग इज अ ह्यूमन बॉडी पार्ट, आर्म जो है वो भी एक तरीके से ह्यूमन बॉडी पार्ट की तरह आप कन्फ्यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर जो ऑड वन आउट जो आपको लगता है वो है सन। तो ये जो तीन ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं 1, 2, 3, ये तीनों ऑप्शंस बेसिकली आपको कन्फ्यूज करने के लिए दिए गए हैं क्योंकि आपको एग्जाम में लगेगा कि सर इन सबसे जो अलग जो ऑप्शन है वो सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 है सन। तो शायद आप इसका आंसर कर दोगे सन, बिकॉज सन जो है वो सन माइक्रो सिस्टम से मैच होता है। तो पहले तीन ऑप्शंस को पढ़कर आप शायद मोस्ट प्रोबेबली एग्जामिनेशन में इसका आंसर कर सकते हो ऑप्शन नंबर 4। बट लेट मी टेल यू, ऑप्शन नंबर 4 इज नॉट अ करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। देन व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सी, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज रिप्रेजेंटिंग आर्म। सो यू शुड नो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आर्म। सो आर्म इज एडवांस्ड रिस्क मशीन आर्किटेक्चर। सो इट इज एडवांस्ड रिस्क मशीन आर्किटेक्चर, रिस्क मशीन आर्किटेक्चर। सो वेयर रिस्क इटसेल्फ इज रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। सो RISC, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अब जो आर्म है वो एडवांस्ड रिस्क मशीन आर्किटेक्चर है जो कि मोबाइल फ़ोन्स के अंदर यूज़ किया जाता है, जैसे आप मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स और जो आपके पास आजकल एप्पल वॉच है या फिर जो आपके पास वॉचेज़ हैं उन सभी के अंदर हम आर्म प्रोसेसर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हैंड और लेग टाइप में कोई प्रोसेसर नहीं है, हैंड लेग और बॉडी पार्ट्स, और जहाँ यहाँ पर आर्म लिखा हुआ है ये हमारे आर्म के बारे में बात नहीं कर रहा, ह्यूमन बॉडी पार्ट की बात नहीं कर रहा, बट रेदर ये एक एडवांस्ड रिस्क मशीन आर्किटेक्चर के बारे में बात कर रहा है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। आई होप, आई थिंक अगर आपको थोड़ा सा मोबाइल फ़ोन के बारे में थोड़ा सा नॉलेज है तो आपको आर्म के बारे में भी पता होगा। नेक्स्ट,
Which of the following is not true for overloaded functions in C++? इसमें से overloaded functions के बारे में क्या चीज़ true नहीं है? पहला, overloaded functions should have different argument list. Obviously, overloading, अगर हम किसी functions की overloading करते हैं, तो overloading के लिए हमें functions के अंदर argument list अलग अलग होना चाहिए. दूसरा, overloaded functions must have the same argument list. So, functions having the same argument list should have different return types. Actually, this is wrong because हम जब overload functions को overloading करते हैं तो उस केस में function overloading के केस में functions का signature अलग अलग होना चाहिए और signature के लिए हम वहाँ पर input type यानि कि किस तरह का arguments आप pass कर रहे हैं हम उसको check करते हैं. तो जो statement number 2 है वो यहाँ पर correct नहीं है. और जो statement number 3 है, functions cannot be overloaded on the basis of one being static and another being non-static. ये भी आपके पास जो यहाँ पर बोला functions cannot be overloaded, तो अगर यहाँ पर can be होता तो आंसर गलत होता. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है, बिकॉज यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 2 रॉन्ग है. स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 3 आर करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट नंबर 2 इज फॉल्स. क्योंकि हम सिग्नेचर अलग अलग होना चाहिए, रिटर्न टाइप्स के बेसिस पर हम ओवरलोडिंग नहीं करते. दूसरा, अगर आपके पास कोई फंक्शन स्टैटिक है तो उसको भी ओवरलोडिंग नहीं किया जा सकता. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. देन अगेन ये वैसा ही क्वेश्चन है जो कि आपको थोड़ा सा कहो कि इंटरेस्ट बनाने के लिए यूज़ किया गया है, एग्जामिनेशन में आपको हंसी दिलाने के लिए यूज़ किया गया है. तो मैं इस क्वेश्चन को इसी कैटेगरी में रखूँगा बिकॉज ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो ऑप्शंस तो एक तरीके से मतलब बहुत ही यूनिक ऑप्शंस हैं. सो आई फील ऐसे क्वेश्चंस को देखकर एग्ज़ाम में आपको ज़रूर हंसी ज़रूर आएगी क्योंकि बनाए इसी वजह से. सो क्वेश्चन नंबर 113 में, अ डैश इज़ अ कम्युनिकेशन पाथवे कनेक्टिंग टू और मोर डिवाइसेस. अनदर ऑफ इट्स की कैरेक्टरिस्टिक इज दैट इट इज़ अ शेयर्ड ट्रांसमिशन मीडिया एंड अ सिंगल ट्रांसमिशन बाय वन डिवाइस इज अवेलेबल फॉर रिसेप्शन फॉर बाय ऑल अदर डिवाइसेस अटैच्ड टू इट. सो बेसिकली जब हम डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास अलग अलग टॉपोलॉजी हैं, जैसे कि हमारे पास एक बस टॉपोलॉजी होती है, हमारे पास एक रिंग टॉपोलॉजी होती है, हमारे पास सर्कुलर टॉपोलॉजी है या फिर मैश टॉपोलॉजी है, राइट? तो हमारे पास अलग अलग तरह की टॉपोलॉजी है, जैसे कि स्टार टॉपोलॉजी है. सो बस टॉपोलॉजी के अंदर जो डिवाइसेस हैं वो एक ही बैकबोन से कनेक्टेड होती हैं, जैसे कि ये सभी होस्ट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, ये सभी होस्ट हैं, ये सभी डिवाइसेस हैं, एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड होती है, एक ही वायर से कनेक्टेड होती हैं और ये सभी एक दूसरे के बीच में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और जो इन्फॉर्मेशन है पाथ में किसी के साथ भी रीड की जा सकती है. यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है बस. करेक्ट आंसर में यहाँ पर ट्रेन नहीं आएगा, ट्राम भी नहीं आएगा और एरोप्लेन भी नहीं आएगा. ऑब्वियसली ट्रेन, ट्राम और एरोप्लेन इसमें से कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है? बिकॉज ये आपके ट्रांसपोर्ट की मीडिया है और जो बस है वो बस एक तरह से टॉपोलॉजी है जो दी जाती है. अगेन ये बहुत ही फनी क्वेश्चन है तो आपको ज़रूर हंसी आएगी ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने पर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, द फॉलोइंग डायग्राम शोज. अब ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है? देखो ये जो डायग्राम है मैं अपने जो एड्रेसिंग बोर्ड मैंने कवर किया है कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर, तो एड्रेसिंग बोर्ड में सबसे पहला मैंने यही डायग्राम कवर किया था कि डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है. यहाँ पर हमारे पास अलग अलग मेमोरी कंपोनेंट्स हो सकते हैं, हमारे पास अलग अलग इनपुट आउटपुट कंपोनेंट्स हो सकते हैं और यहाँ पर कुछ हमारे पास शेयर्ड एड्रेसेस भी हो सकते हैं. तो मैंने इसमें बताया था कि हम लोग किस तरह के यहाँ पर यूज़ करते हैं. वी कैन हैव आइसोलेटेड मेमोरी आईओ, वी हैव मेमोरी मैप्ड आईओ एंड सो ऑन. तो वो चीज़ें हम लोग यहाँ पर शो करते हैं. सो बेसिकली इस डायग्राम से दे आर ट्राइंग टू शो द मेमोरी इंटरकनेक्शन स्कीम. यहाँ पर थ्रूपुट और आईओ हम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, बेसिकली हम मेमोरी इंटरकनेक्शन स्कीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. यहाँ पर बस इंटरकनेक्शन स्कीम को भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहे. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. अगर आपने मेरे वीडियो से पढ़ा है तो आपको इसका आंसर पता होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, विच कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड बाय द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ कोड. सो पहली लाइन है आपके पास स्टूडेंट S1. सो बेसिकली हमने स्टूडेंट S1 के केस में हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है S1 का और फिर यहाँ पर हमने स्टूडेंट S2 का एक ऑब्जेक्ट बनाया है और S2 के अंदर हमने S1 को कॉपी कर दिया, यानी कि दोनों एक ही ऑब्जेक्ट की तरह रेफर कर रहे हैं. अब देखो स्टूडेंट S1 के केस में हमने यहाँ पर ऐसे नहीं किया न्यू स्टूडेंट S1 सो ऑन. तो बेसिकली अगर न्यू स्टूडेंट आप कॉल करते तो हम ऑब्जेक्ट को मेमोरी भी एलोकेट करते और ऑब्जेक्ट मेमोरी एलोकेट कर दे तो उस समय पर हमारे पास डिफॉल्ट जो आपका जो कंस्ट्रक्टर है वो भी कॉल्ड होता. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इज़ नॉट अ करेक्ट आंसर. सो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है दोनों लाइंस में नहीं होगा. सो आई फील यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट शुड बी ऑप्शन नंबर 2, बट यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स. मैं आपके कमेंट का इंतजार करूँगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, डैश मेमोरी इज इंटेंडेड टू गिव मेमोरी स्पीड अप्रोचिंग दैट ऑफ द
of the fastest memory available. At the same time, provide a large memory size at the price of less expensive types of semiconductor memories. अब ये जो क्वेश्चन नंबर 116 है, एक्चुअली ऐसा है कि मैंने KVS PGT के जितने भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं, मैंने काफ़ी क्वेश्चंस को गूगल सर्च भी किया है, तो बेसिकली जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने ऐसा देखा है कि बुक्स से या फिर इंटरनेट से कोई पैराग्राफ अवेलेबल है तो वो पैराग्राफ को डायरेक्टली किसी बुक से उठाकर यहाँ पर दे देते हैं और उस पैराग्राफ में एक टर्म मिसिंग हो जाता है। तो ये भी इसी तरीके से है, ये जो पैराग्राफ लिया गया है, ये पैराग्राफ आपके पास जो मॉरिस मैनर बुक है वहाँ से लिया गया है और एग्जैक्टली बस उस पैराग्राफ में एक वर्ड को मिस कर दिया गया है। तो काफ़ी ऐसे क्वेश्चन हैं, मोस्ट प्रोबेबली जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन मैंने अब तक देखे हैं तो उसमें से 80-90% क्वेश्चन ऐसे देखे हैं जहाँ से या तो उन्होंने इंटरनेट पे सर्च करके या फिर रैंडमली बुक में से कोई पेज ओपन किया और वहाँ से किसी पैराग्राफ को दे दिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कैश मेमोरी है, बिकॉज जो कैश मेमोरी है दैट इज़ इंटेंडेड टू, बिकॉज जो कैश मेमोरी है वो बेसिकली आपके रैम के साथ ही काम करती है, तो रैम का कुछ डेटा जो है हम कैश मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं ताकि वो फास्ट बने। अब जो फ्लिप फ्लॉप्स और रजिस्टर्स होते हैं इनमें स्पेस काफ़ी कम होती है और हम बेसिकली रजिस्टर्स का यूज़ करते हैं, रजिस्टर्स आर मेड यूजिंग फ्लिप फ्लॉप्स, और जो कैश मेमोरी है वो रजिस्टर से थोड़ा सा चीप होती है, रजिस्टर्स ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं कैश मेमोरी से। तो यहाँ पर काउंटर्स नहीं होगा ऑब्वियसली, रजिस्टर्स जो है वो फ्लिप फ्लॉप से बने होते हैं और कैश मेमोरी रजिस्टर से ज़्यादा बड़ी है। सो करेक्ट आंसर जो है आप यहाँ से भी कह सकते हैं, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 विच इज़ कैश मेमोरी। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग एएमपी टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। सो विच ऑफ द फॉलोइंग सिलेक्ट स्टेटमेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड इफ वी नीड टू डिस्प्ले द एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज हु आर हैविंग हु बिलोंग टू द ग्रेड E4। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आप आए, जब भी मेरे आप वीडियोस देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस के, तो मैं ये नहीं चाहता कि आप सिर्फ वीडियो को देखो। मेरे कहने का मतलब है कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को यहाँ पर देख रहे हो तो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करो या क्वेश्चन आंसर गेस करने की कोशिश करो और फिर वीडियो को प्ले करो और फिर चेक करो कि आपने जो आंसर दिया था और जो मैं आंसर दे रहा हूँ क्या दोनों आंसर मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे, आई मीन टू से कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं है। तो उसी तरीके से आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है पॉज करो, अपना आंसर दो, कमेंट बॉक्स पे लिखो और फिर चेक करो कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोगों को निकालना है एवरेज सैलरी, तो एवरेज सैलरी के लिए हम एग्रीगेट फंक्शंस का यूज़ करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन है एवरेज। ठीक है, दूसरा हमें बताना है कि उन सभी एम्प्लॉयज़ का जो कि ग्रेड E4 से बिलोंग करते हैं, तो इस वजह से हमें यहाँ पर ग्रुप बाय क्लोज यूज़ करना पड़ेगा, और जब हम ग्रुप बाय क्लोज यूज़ करते हैं तो हम उस समय पर वेयर कंडीशन यूज़ नहीं करते, हम यहाँ पर हैविंग कंडीशन को यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ग्रुप बाय के साथ हम वेयर कंडीशन यूज़ नहीं करते, हम हैविंग कंडीशन को यूज़ करते हैं। तो हुज़ कंडीशन कभी भी नहीं होता है और हैविंग कंडीशन जो है हम ऐसे यूज़ नहीं करते, बेसिकली अगर यहाँ पर हमें यूज़ ही करना तो हम वेयर यूज़ कर सकते थे। तो यहाँ पर बेसिकली हमें ये स्टेटमेंट जो है वो एवरेज सैलरी जो है वो हम ग्रुप बाय करके नहीं देगा, तो ये स्टेटमेंट जो है हैविंग इस तरह से यूज़ नहीं करते, हैविंग मोस्टली हम ग्रुप बाय के साथ ही यूज़ करते हैं। तो पहली दो स्टेटमेंट तो क्लियरली रॉन्ग है, और तीसरी और चौथी स्टेटमेंट बस वो यही जानना चाहता है कि आपको पता है कि अगर आपने ग्रुप बाय यूज़ किया है तो उसके साथ हम वेयर यूज़ नहीं करते, अगर आपने ग्रुप बाय यूज़ किया तो आप उसके साथ हैविंग यूज़ करते हैं, देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर 4। तो बस वो आपसे यही जानना चाहता है कि आपको ग्रुप बाय और हैविंग की फंक्शनैलिटी के बारे में पता है या नहीं पता है। अगर आपको इतना बेसिक पता है तो आप क्लियरली इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी एग्जामिनेशन में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ें, तो यही इसी क्वेश्चन को हिंदी में लिखा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 118, द मेजर फंक्शंस और रिक्वायरमेंट ऑफ एन IO मॉड्यूल फॉल इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो अगेन ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है जिसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर दिया गया है बुक में से, और इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4 विच इज़ ऑल ऑफ द अबव। तो क्यों है, जो IO मॉड्यूल है उसके जो फंक्शंस होते हैं वो बेसिक 5 फंक्शन हैं। पहला कंट्रोल एंड टाइमिंग, दूसरा है CPU कम्युनिकेशन, तीसरा डिवाइस कम्युनिकेशन, फोर्थ डेटा बफरिंग एंड फिफ्थ इज एरर डिटेक्शन। तो इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप इस सेंटेंस को, ये जो सेंटेंस हैं इसको डायरेक्टली गूगल सर्च करो, और गूगल सर्च करोगे तो इसके ऊपर आप डायरेक्टली पैराग्राफ और बुक का पेज आ जाएगा जहाँ से इसको कॉपी पेस्ट किया गया है, तो वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव क्वेश्चन फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 119 से हम आगे चेक करते हैं।